राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राम और सुग्रीव भाग 2। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि राम सीता की खोज करते करते वानर राज सुग्रीव तक पहुंच जाते हैं। वानर राज सुग्रीव उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर वो राम से भी सहायता मांगते हैं बाली से अपना राज्य वापस पाने के लिए। राम सुग्रीव की सहायता का वचन देते हैं। तब राम के कहने पर सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का ये साहस समझ में नहीं आया। वो अंतःपुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भिजी हुई थी। वो एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओट से बाहर निकल आए। आनन-फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां की गईं। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर राज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहें उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा, ये पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, किंतु प्रभु मैं वन में ही रहूंगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंका रोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे प्रश्रवण पहाड़ पर रहे। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की सीता की खोज के लिए।
सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वो अपना वचन भूल गए, राग रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे, दुखी भी। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। ये काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से न रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया, कहा, लक्ष्मण, सुग्रीव को बस समझाना है, वो हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींच कर छोड़ी। पी, 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 पी। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिलें, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए, वानर सेना एकत्र करने का आदेश। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी अपनी चूक के लिए। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना, इसके बाद लंका रोहण की योजना बनी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को
राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, हनुमान प्रभु, जब सीता से भेंट हो तो ये अंगूठी उन्हें दे देना, वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। जो आज्ञा प्रभु। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली, अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल था, विशाल समुद्र। उसकी गहराई अथाह थी, लहरों की गरज कंपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वो जटायु का भाई था, संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूं, रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को ये समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल, फिर निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल था, उसे कौन पार करेगा, कैसे करेगा? अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे न आगे जा सकते थे न पीछे, वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी।
वे सबसे दूर बैठे थे। चुपचाप जामवंत जानते थे कि ये काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई, कहा, हनुमान आपको जाना होगा, ये कार्य केवल आप कर सकते हैं। जैसी आज्ञा। सब की आंखें उन्हीं पर टिक गईं। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, बाबला कोचर, विजय सिन्हा, नीरज शर्मा और दिनेश वर्मा, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।